नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक बिरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, मैं उनमें से कुछ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे पाता हूँ। और जिनमें से आज का ये सवाल है, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये पूछा है कि सर, क्या पैसा देने के बावजूद भी एक ब्लैकमेलर हमारा वीडियो अपलोड कर सकता है या फिर नहीं? इसी सवाल को हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, कई वीडियोज़ में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों को तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाती है, इस वजह से वो दोबारा सवाल पूछते हैं। तो आज मैं आपको इस सवाल का विस्तारपूर्वक जवाब भी दूंगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि स्कैम, वीडियो कॉल स्कैम में लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं। और फंस वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि सामने वाली लड़की जो है उससे हम किसी प्रकार से रोमांस कर लें, किसी प्रकार से अपना जो टाइम है उसको गुड टाइम में बदल दें और उसको उसके साथ में स्पेंड कर लें। लेकिन होता कुछ और ही है, जो होना होता है वो नहीं होता है, लेकिन हो कुछ और जाता है और वो किसी ब्लैकमेलिंग के दलदल में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका वीडियो बना लिया गया है और आप उसको पैसा दे देते हैं या फिर देना चाहते हैं, तो क्या उसके बावजूद भी आपका वीडियो अपलोड हो सकता है, वायरल कर सकता है ब्लैकमेलर? बहरहाल ये जो घटना है, ये हमारे ही सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुआ है, जो कि गुजरात से हैं और इनके पास अभी तक काफ़ी तरह के फ़ोन कॉल्स भी आ चुके हैं। और इनका कहीं ना कहीं डर ये भी है कि सर, मेरी थोड़े समाज में इज्जत है, अगर मेरा ये वीडियो किसी प्रकार से लोगों तक पहुंच जाता है तो जो समाज में मेरे दुश्मन हैं वो इसका हो सकता है कि कोई दुरुपयोग कर सकें। और लोग जो है, एक जब छोटी सी जब वायरल होती है तो हो सकता है कि उसको बड़े रूप में उसको ले जा सकें और मेरी समाज में जो आज इज्जत है या जो लोगों के बीच में मेरी बातें हैं उनको हो सकता है कि वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ में होती हैं, क्योंकि हर किसी के समाज में कहीं ना कहीं उनके नियर बाय लोगों के साथ में उनकी इज्जत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वही वीडियो जो आपका बन गया है और उस वीडियो को किसी आपके दुश्मन के हाथ लग गया है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर देगा और बहुत ज़्यादा लोगों को पहुँचा देगा। तो इसी के चलते हुए, हालांकि ऐसी घटनाएं हमारे साथ में कई आ चुकी हैं कि वीडियो बनाया और उसके गांव के लोग किसी व्यक्ति को मिल गया और उसके बाद उस व्यक्ति को मिलने के बाद वो वीडियो हर जगह से वायरल हो गया। हालांकि किसी उसने इतना नहीं किया था, लेकिन उस ब्लैकमेलर ने उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो जो है वो लोगों के पास पहुँच गया। और पहुँचने के बाद जैसे ही वो पहुँचा वैसे ही वो आपकी तरह फैलने लगा। बहरहाल अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जाती है जैसे इनके साथ में हुई है और वीडियो बन गया है और वीडियो के बाद आपसे सवाल जवाब या फिर किसी प्रकार से आपके से पैसा मांगा जा रहा है, तो आप पैसा देने की भूल तो बिल्कुल ना करें। और पैसा, हालांकि मैं ये बात कई वीडियोस में कह चुका हूं कि आप पैसा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को और ज़्यादा लालच दे रहे हैं और ज़्यादा आप ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ में ऐसा ही करिए और हम आपको पैसा देंगे। लेकिन आपसे मैं बार बार ये कहता हूँ, आपको समझना चाहिए ये बात के लिए कि आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप तक मेरी बात पहुंच नहीं पाती है और फिर ये सवाल पूछते हैं कि सर, क्या पैसा देने के बावजूद भी वीडियो अपलोड हो सकती है? हालांकि कुछ लोगों के पास में ये वीडियो हमारी लेट पहुंचती है, जब तक उनके साथ स्कैम हो चुका होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है सामने और ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तभी हम जाकर उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कहीं पर, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो या कहीं और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर भी आप सर्च करते हैं और तभी आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब ये चीज़ें पता लगेंगी तो वो लोग जो है जो अभी तक इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं वो आगे भी भविष्य में नहीं फंसेंगे। आप देखते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कहीं पर आप फनी वीडियोस या किसी जानकारी बिना, जिसमें कोई जानकारी आपकी नहीं होती, उन सब चीज़ों को, डांस वाली वीडियोस आप देखते हैं, उनमें आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और भविष्य में आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप ना जूझ पाए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको मैं जानकारी पहुँचाऊँ। बहरहाल बात करते हैं मुद्दे की, कि सवाल ये है कि क्या पैसा देने के बावजूद भी आपका वीडियो अपलोड हो सकता है? देखिए, ये स्कैमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका वीडियो अपलोड करना चाहता है नहीं चाहता है। हालांकि जो उसका मतलब मोटो होता है उसके लिए स्कैम करने के पीछे, वो पैसा होता है। अगर आप पैसा दे रहे हैं उसके लिए, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा उसका लालच बढ़ता जाए और आपसे पैसे की मांग करता जाए। जैसे ही आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसा मांगते चला जा रहा है, हम उसको देते चले जा रहे हैं, और फिर आपको एक समझ ऐसा आएगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हम इसको इतना पैसा कहाँ से दे सकते हैं इसको, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना कदम रोकते हैं। जब रोकते हैं तो उसको जो सामने वाला जो ब्लैकमेलर है उसको बुरा लगता है और फिर आपको वीडियो अपलोड करने की धमकी देता है और फिर अपलोड करके आपको दिखा भी देता है। तो कैसे कई केसेस में हुआ है जहाँ की अपलोड वीडियो हो जाता है लेकिन
अगर आप पैसा ना दें उसको, शुरुआत में ही मना कर दें कि हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका वो वीडियो जो समझे सोचे कि यार फालतू में टाइम खराब किया इस व्यक्ति के साथ में, पैसा है नहीं, ये देगा कहाँ पर। तो उसको ऐसा अगर मन लग जाए, मनसा उसकी हो जाएगी भाई पैसा इसके पास नहीं है तो ये देगा कहाँ से, तो हो सकता है कि आपका वीडियो वो डिलीट कर दे, अपने पास रखे ही नहीं, और भविष्य में से उसका कोई भी दुरुपयोग आपके हिसाब से ना कर पाए। तो ऐसे समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करना है। और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जैसे वीडियो स्कैम में फंसते हैं वैसे ही उस व्यक्ति को गालियां देना शुरू करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, जो कि आपको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। जब ये चीज़ें आप करते हैं तो वो जो व्यक्ति अब तक नहीं कर रहा था आपका वीडियो अपलोड या वायरल वगैरह, वो अब जानबूझ करेगा कि ठीक है रोक के दिखाना मुझे क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ आपको होती हैं तो आप प्यार से मोहब्बत से इतना हो सकता है अपने आपको निकालिए वहाँ सर वहाँ से और सॉल्यूशन ढूंढिएगा। और सॉल्यूशन आपका ये है कि आप इस तरह की शिकायत आपको करवाएं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करवाएं कि सर हमारे साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं। अगर आप करवाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है इन सब चीज़ों से बच पाएंगे, वरना भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर लोग करेंगे और आपको बार बार फ़ोन कॉल्स भी आएंगे। बहरहाल ये मेरी तरफ से जानकारी थी आपके लिए। और बाद में सवाल का आंसर ये भी है कि अगर आपका आप वीडियो दे बन जाता है और बनने के बाद अगर आप पैसा देते हैं उसके लिए तो वो अपलोड करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि अपलोड कर दे, हो सकता है कि ना करे, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपने उसके तरीके से किस तरीके से व्यवहार किया है। अगर उसको लगा कि हाँ ये व्यक्ति ज़्यादा गलत है या ज़्यादा मुझसे गलत बोल रहा है तो हो सकता है वो अपलोड भी कर दे, क्योंकि पैसा आपने दिया ठीक है, लेकिन आपने पैसा उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि आपको वो नुकसान पहुंचाए। लेकिन आप जो है वो अपना इस्तेमाल विवेक इस्तेमाल कीजिएगा, और यहाँ पर आपको पैसा किसी प्रकार देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं बाप से बार बार आपको कहता हूँ कि पैसा आप देंगे तो हो सकता है कि आपको भविष्य में ये पैसा लगातार मांगता रहे। और आप वीडियो से ना घबराएं, आप अपनी शिकायत जो भी आपके साथ में हुई है उसकी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करवाएं कि सर हमारे साथ में इस तरह की हुआ है। डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों से परेशानी में से प्रॉब्लम निकलेंगे। और अगर कोई भी जानकारी आप चाहिए इसके बारे में तो आप हमारी दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने लिए आपसे बहुत धन्यवाद।